हेलो एवरीवन माय नेम इज राम आश्रय राय वेलकम एट एमएमसी सो गाइस आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 फाइव इंपॉर्टेंट वन वर्ड सफी को डिस्कस करूंगा तो ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है ठीक है तो देखते हैं डिसीजन मेड अपॉन अ पॉलिटिकल क्वेश्चन बाय द वोट्स ऑफ ऑल क्वालिफाइड पर्सन तो उसे हम लोग क्या कहते हैं वीटो कहते हैं सफरेज कहते हैं फ्लैबस्टिक कहते हैं क्या कहते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्लैबेस्टिक कहते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं इसे फ्लैबेस्टिक कहते हैं ध्यान दीजिएगा सारे वर्ड के मीनिंग उसका डेफिनेशन सब कुछ मैं आपको दिया रहता हूँ वीडियो को पॉज करके आराम से सारी चीज़ें लिख लिया करिए तो सनानिम्स क्या होता है भाई वोट करना पोल करना रेफरेंडम बैलेट ये सारे वर्ड्स होते हैं अ फ्लैबेस्टिक इज अ डायरेक्ट वोट देखिए अ फ्लैबेस्टिक इज अ डायरेक्ट वोट बाय पीपल ऑफ अ कंट्री रीजन इन विच दे से वेदर दे अग्री आर डिस अग्री बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये ठीक है नेक्स्ट फ्लैबस्टिक देख सकते हैं वोट बाय द है ना इलेक्ट्रेट डिटरमाइनिंग पब्लिक ओपिनियन ऑन अ क्वेश्चन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस मैंने किसी को वोट देना वो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के साथ वोट दे, वो देना उसे फ्लैबस्टिक कहते हैं वेस्ट लॉन्गिंग फॉर समथिंग वन हैज नोन इन द पास्ट बहुत बार ये क्वेश्चन आता है घुमा फिरा के आता है जैसे आपको पिछली मतलब जो आपके लाइफ में जो चीज़ें पास्ट हो चुकी हैं वो सारी चीज़ें जो होती हैं उसके बारे में विचार करना उसके प्रति बहुत ज़्यादा रुचि होना जैसे बहुत सारे लोग घर के प्रेमी होते हैं उनको घर क्योंकि घर का प्रेमी मतलब जो गांव घर में जो पुरानी चीज़ें उनके साथ रही होती हैं उनसे बड़ा प्यार होता है बड़ा लगाव होता है तो उसे नोस्टैलजिया कहते हैं पुरानी वस्तुओं से बहुत ज़्यादा प्यार उसे नोस्टेलॉजिक कहते हैं देखिए इसका बड़ा प्यारा सा डेफिनेशन है द अफेक्शन अफेक्शनेट फीलिंग ऑफ द पास्ट स्पेशली फॉर अ हैप्पी टाइम आई वॉज ओवरकम विथ नोस्टलजिया फॉर माई डेज एट यूनिवर्सिटी कहीं कॉलेज में आप पढ़े हो स्कूल में पढ़े हो गांव में रहे हो तो इसे नोस्टेलोजिया कहते हैं अ पर्सन हु इज मेड टू बेयर द ब्लेम ड्यू टू अदर्स ध्यान दीजिएगा अक्सर आप लोगों ने सुना होगा बली का बकरा उसको इंग्लिश में कहते हैं स्केप गोट मतलब गलती कोई और करता है और उस गलती का खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ता है ठीक तो है तो इसे स्केप गोट कहते हैं दूसरों की गलती के लिए दंडित व्यक्ति शी वॉज शॉक्ड यहाँ शॉक्ड होना चाहिए शी फेल्ट शी है स्केप गोट फॉर ऑल द कंपनीज लॉस ठीक देख सकते हैं ये गोट है इसे ही बोला जाता है बली का बकरा और पूरा डेफिनेशन भी मैंने दे रखा है If is made to for bad, that has गलती नहीं है फिर भी उसके ऊपर गलती थोपा जाए उसे कहते हैं एक्ट ऑफ टॉकिंग वंस टेकिंग वंस लाइफ एक्ट ऑफ टेकिंग वंस लाइफ जब हम अपनी ही लाइफ को समाप्त कर देते हैं किसी वजह से किसी कारण से उसे हम लोग क्या कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में सुसाइड कहते हैं क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है उसको घुमा फिरा दिया जाता है अ पर्सन हु किल्स हिमसेल्फ ड्यू टू सर्टेन रीजन कभी कभी इंसान के मतलब uh, लाइफ में ऐसे ऐसे रीजन आ जाते हैं कि समझ में नहीं आता है इधर जाऊं कि उधर जाऊं बड़ी मुश्किल में हूं कि किधर जाऊं या यूं कह लीजिए ये जिंदगी मुझको किस मोड़ पर लाई एक और है दरिया एक और है खाई ठीक है तो ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं पीपल हु कमिट सुसाइड डेलीटली किलसे ऐसे लोग जो अपनी आत्महत्या कर लेते हैं जान बुझ करके डेलीबरेटली मतलब डेलीबरेटली गाली दिया ही डेलीबरेटली पुष्ट मी उसने जान बुझ के मुझे धक्का दिया ठीक है तो उसे बोलते हैं सुसाइड बोलते हैं देख सकते हैं बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेशन में आकर के जब बहुत सारे लोग उन्हें कष्ट देते हैं स्पेशली इंसान तब सुसाइड करता है जब उसे कोई अपना बहुत करीबी उसे बहुत तकलीफ देता है और कॉन्स्टेंटेंसली मतलब लगातार कॉन्टिन्यूसली उसे पेन देता रहता है तभी इंसान फांसी लगाता है तभी इंसान सुसाइड करता है अ मैन हु टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ वह व्यक्ति जो अपनी पत्नी के कहने पर वो सब कुछ करता है जो कुछ भी वो पत्नी कहती पत्नी कहती है डांस तो वो डांस करने लगता है पत्नी कहती है सिंग तो सिंग करने लगता है पत्नी कहती है यहीं बैठ जाओ तो वहीं बैठ जाता है मतलब पत्नी भक्त एकदम हंड्रेड परसेंट तो सेम इंग्लिश में हम लोग होते हैं हैंड पिक्ड हस्बैंड ठीक है जैसा पत्नी कहेगी वैसा ही वो करेंगे इमेज देख के खूब समझ में आ गया होगा कि है ना कुछ लोग पत्नियां होती है कॉलर पकड़ के इधर ले गए इधर चले गए उधर ले गए उधर चले गए तो आप समझ सकते हैं समझदार हैं ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है और नहीं जिसको समझ में आ रहा है बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आओ करके सीखें राइट right? तो आप ये देख सकते हैं यहाँ बेलट मैडम ली है हस्बैंड बेचारा बैठा हुआ है है ना अ प्लेस ऑफ आइडियल पीस एंड हैप्पीनेस हैप्पीनेस कोई ऐसा प्लेस जहां पे आइडियल है आइडियल पीस है मतलब वहां से अत्यंत प्रसन्नता और अत्यंत शांति है उसे हम लोग क्या बोलते हैं एलैसियम बोलते हैं बड़ा सुंदर वर्ड है एलैसियम कंफ्यूज मत होइएगा बड़ा अच्छा वर्ड है देखिए डेफिनेशन भी दिया है एनी प्लेस आर स्टेट ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस ऐसा स्थान जहां पे संपूर्ण खुशी है केवल खुशी ही खुशी है उसे कहते हैं डेफिनेशन एक और मैंने दे रखा स्टेट आर प्लेस ऑफ परफेक्ट ब्लिस जहां पे संपूर्ण आनंद है पूर्ण रूपेण आनंद है कोई तकलीफ नहीं है राइट वन हुर्स पीपल फॉर पर्सनल पोलिटिकल प्रॉफिट वह व्यक्ति जो लोगों को उकसाता है केवल अपने ही तारीफ अपने ही फायदे के लिए जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल नेता होते हैं दूसरे नेता की कमियां केवल बताते हैं इसलिए नहीं कि उनसे बहुत दिक्कत होती है कि वो पब्लिक को अपनी तरफ ध्यान खींचना चाहते हैं तभी तो वोट मिलेगा नहीं कैसे मिलेगा ठीक तो उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे डेमागोग्यू बोलते हैं डेमागे डेमागोग्यू बोलते हैं उसे देखिए पूरा डेफिनेशन मैंने दे रखा है

एक बार समझ में आ जाएगा फिर आप कभी नहीं भूलेंगे आई प्रोमिस यू वन अपनी नौकरी से डिस्चार्ज होता है उसे हम लोग क्या बोलते 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 हैं? हैं हैं। हैं उसे उसे हम उसे हम। देखिए ये भी है प्रोफेशनल टाइटल आर इंडिकेट दैट द पर्सन बेयरिंग इट हैज रिटायर्ड बट द टाइटल एज एन ऑनर emeritus professor of physics he will continue as a chairman emeritus ठीक है बड़े सम्मान के साथ जो रिटायर होते हैं उसे एमरिटस कहते हैं ठीक है नेक्स्ट है शाइनिंग ब्रिलियंट एंड मैग्निफिकेंट कोई चीज बहुत ही ज्यादा सुंदर हो चमक रही हो चमक धमक हो और बेहतरीन हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे रेस्प्लेंड resplend, रेस्प्लेंडेंट कहते हैं उसे हम लोग रेस्प्लेंडेंट कहते हैं देखिए ढेर सारे डेफिनेशन है इफ यू डिस्क्राइब समर समथिंग एज ए रेस्प्लेडेंट यू मीन दैट देयर अपियरेंस इज देखिएगा लुकिंग जैसे कुछ कपड़े क्या होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं तो जो बहुत ही सुंदर होते हैं बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं नॉर्मली ठीक है तो यू कैन सी दैट इमेज सनानिम्स ब्रिलियंट रेडियंट स्प्लेंडेड ग्लोरियस ठीक है टूडे रिस्पलेंडेंट डिजाइनर डिजाइनर बनारसी लहंगाज आर है ना रिप्लेसिंग हैजर्डस एंड गोल्ड एम्ब्रॉयडरी है ना लहंगाज तो देख सकते हैं ये पूरा हिंदी में डेफिनेशन है प्रॉपरली नेक्स्ट है कटिंग फॉर स्टोन इन द ब्लैडर जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं पेट के अंदर से मशीन के माध्यम से अंदर जो पेट में स्टोन होते है, हैं उसको काटते हैं इसे बोलते हैं लीथोटॉमी बोलते हैं, उसे बोलते हैं लीथो याद तो मतलब सर्जिकल आ, इन यूरिनरी जैसे कुछ लोगों के यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं तो उसे डॉक्टर्स ऑपरेट करते हैं या उसको अपने कुछ आ, मशीन्स के माध्यम से उसको हटाते हैं दैट इज कॉल्ड लिथोटॉमी ऐसे ही स्टोन होते हैं वो धीरे धीरे मशीन से कट करके उसको निकाल देते हैं बाहर और पेशेंट एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है अ हैवी अननेचुरल नेचुरल स्लम्बर बहुत ज्यादा नेचुरल स्लम्बर हो हैवी भी हो उससे स्टूपर कहते हैं क्या कहते हैं उससे स्टूपर कहते हैं ठीक है स्टूपर का बहुत सारा डेफिनेशन है समवन हु इज इन ए स्टूपर इज ऑलमोस्ट अनकॉन्सियस एंड इज अनेबल टू एक्ट और थिंक नॉर्मली स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ ड्रिंक और ड्रग्स ठीक है तो डेफिनेशन है स्टेट ऑफ मेंटल डलनेस लॉस ऑफ द सेंसेस शी वाज रियली स्टूपर जैसे एक आ एक uh, बेहोश हो जाना बिल्कुल माइंड काम न करना है ना दर्द और पेन के वजह से तो स्टूपर कहते हैं एकदम कोमा जैसी स्थिति में चले जाने को चेंजिंग वंस माइंड टू क्विकली एक आ एक माइंड बदलने को क्या कहते हैं तो एडोप्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी वेरेसिलिटी तो इसे कहते वैशी वट इज दैट वैसी उसे बोलते हैं Wait a minute, please. तो तो बोलते हैं। हैं। उसे vacillation. This answer is right. तो, vacillation होते हैं। इसका पूरा मैं डेफिनेशन आपको दे, रख, दे रखा हूं इफ यू कीप चेंजिंग योर माइंड मतलब दो चीजों की चॉइस में दो चीजों की चॉइस ये करूं वो करूं ये अच्छा है ये भी अच्छा है तो जब दो चॉइसेस होते हैं तो व्यक्ति क्या होता है वेस्लेट हो जाता है ठीक है नेक्स्ट है अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू अ सेक्रेड प्लेस एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डेवोशन ध्यान समझिएगा जब कोई व्यक्ति किसी धार्मिक कार्य के लिए कोई यात्रा करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे हम लोग पिलग्रिम कहते हैं पिलग्रिम मींस होता है तीर्थयात्री ऐसे याद कर लीजिएगा पीला गारमेंट जो पहनता है वही पिलग्रिम होता है ज्यादातर जो तीर्थयात्री होते हैं पीला गार्मेंट पहनते हैं देख सकते हैं अब पिलग्रिम इज अ पर्सन हु मेक्स अ जर्नी टू अ होली प्लेस तीर्थयात्री वह व्यक्ति होता है जो है ना आ, किसी तीर्थया तीर्थयात्री जो होता है वह होता है जो किसी यात्रा को पूरा करता है किसी धार्मिक स्थान पर जाने के लिए दर्शन करने के लिए स्नान करने के लिए बहुत सारे कारणों से भी टू तो डू अवे विथ अ रूल तो उसे हम लोग क्या कहते हैं तो टू डू अवे विथ रूल को एबोरोगेट कहते हैं क्या कहते हैं एबोरोगेट कहते हैं डेफिनेशन को भी हम लोग देखेंगे law, कोई ऐसा व्यक्ति जो पावर में हो और किसी नियम को बनाना और बिगाड़ना उसके हाथ में हो ठीक है देख सकते हैं सच एज एग्रीमेंट आर प्रैक्टिस दे पुट एन एंड टू इट उस चीज को खत्म करने की क्षमता पावर ताकत हो उसे एब्रोगेट कहते हैं देख सकते हैं जैसे पॉलिटिकल पर्सनालिटीज होते हैं इनके अंदर पावर होता है किसी सेक्शन को किसी धारा को वो हटा सकते हैं किसी धारा को बढ़ा सकते हैं किसी इम्पोर्टेंट मिशन को वो रोक सकते हैं किसी इम्पोर्टेंट मिशन को स्टार्ट कर सकते हैं लाइक दैट वन हु टॉक्स वेरी लिटिल वह व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है तो उसे इंट्रोवर्ट कहते हैं और सिंपल लैंग्वेज में रिजर्व्ड कहते हैं

लॉन्ग थिन पीस ऑफ लेदर आरोप एक तो जानते हैं चाबुक भी होता है आप देखिए पूरा दे चाबुक हंटर फास्टेंड टूट फास्टेंड हैंडल इट इज यूज फॉर द हिटिंग एनिमल्स पीपल चाबुक जो है वो जानवरों के लिए भी किया जाता था और इंसानों के लिए भी किया जाता था पोलिटिकल टर्म्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है ठीक है फूड विच अग्रीज विथ वेस्ट फूड जो बहुत टेस्टी हो खर्चीला भी हो महंगा भी हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं तो दैट इज अ प्लेटेबल बोलते हैं हम लोग इसे प्लेटेबल बोलते हैं प्लेटेबल वर्ड को पढ़ के बड़ा आश्चर्य होगा आपको इफ यू डिस्क्राइब फूड और ड्रिंक एज प्लेटेबल यू मीन दैट इट इज टेस्टीज प्लेजेंट बहुत टेस्टी हो बहुत प्लेजेंट हो और साथ साथ में महंगा भी हो फ्लेवरिंग एंड प्रिजरवेटिव है न डिजाइन टू मेक द फूड लुक मोर प्लेटेबल किसी भोजन को अच्छे से डिजाइन कर देना और सुंदर बना देना और बेहतर हो जाए अरे प्लेटेबल मैंने प्लेट और टेबल हो खाना अच्छा मिल जाए ऐसे याद कर लीजिए सनानिम्स डेलिशियस डेलिशियस तो आप जानते ही हैं डेलीसियस नहीं डेलिशियस होता है स्वादिष्ट टेस्टी बताने की जरूरत नहीं है डिशियस भी है सवरी है बहुत सारे मीनिंग्स हैं सारे वर्ड को आप पढ़ते जाइए लिखते जाइए है ना नॉलेज का कोई एंड नहीं है गवर्नमेंट बाई द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल जैसे डेमोक्रेसी गवर्नमेंट दीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल आप जानते हैं डेमोक्रेसी का ये आपका एग्जाम्पल एक छोटा सा ये भी एक्सप्लेनेशन है गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल डेमोक्रेसी इज अ पोलिटिकल सिस्टम इन विच पीपल चूज देयर गवर्नमेंट बाय वोटिंग फॉर देम इन इलेक्शन आप देख सकते हैं ये भी एक बेहतरीन सा डेफी है दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी ईजिली ठीक है नेक्स्ट है इनफॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन विथ अ पर्सनल सिग्नेचर तो उसे हम लोग क्या कहते हैं तो हम लोग बोलते हैं मेमो रैंडम बोलते हैं जब कोई पोलिटिकल पार्टी होता है तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को तैयार करता है इम्पोर्टेंट चीजों को तैयार करता है और कहता है कि मैं इसी पे काम करूंगा देख सकते हैं आ रिटर्न प्रपोजल आर रिमाइंडर भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तभी जीतता है जब वह उस पर काम करता है अच्छे से One who loves books, तो बहुत सिंपल सांसर है। है। हम लोग कहते हैं फाइल। पुस्तक प्रेमी जो होता वह व्यक्ति माने बाइबिल आप समझ लो जो बाइबिल पुस्तक से प्रेम करेगा तो जाहिर सी बात हो पुस्तक भी है तो वो भी है रिलीजियस बुक है धार्मिक किताब है तो बिबलियो फाइल से आप आराम से बिब्लियो बाइबल पसंद करने वाला ढेर सारी फाइल रखने वाला ढेर सारे नोट्स बनाने वाले को आप कह सकते हो बिब्लियो फाइव वन नोइंग एवरीथिंग वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता है तो ओमनीशेंट होता है है ना God knows everything, है ओमनी पोटेंट सर्वशक्तिमान ईश्वर है है ना ओमनी पोर्टेंट ओमनी प्रेजेंट दुखी ध्यान दीजिएगा ओमनी का मतलब क्या होता है एवरीवेयर ओमनी का मतलब होता है एवरीवेयर ओमनी पोटेंट माने सर्वशक्तिमान ओमनी प्रेजेंट सब जगह है व्याप्त सब जगह रहने वाला ओमनीसेंट सेंट सेंट मैंने ज्ञानी जो सर्वशक्तिमान है उसे हम ईश्वर कहते हैं ऑल सीइंग एंड ऑल नोइंग सब कुछ देखने वाला सब कुछ जानने वाला यूजुअली टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब गॉड इस टर्म का प्रयोग ईश्वर के लिए किया जाता है नेक्स्ट अ स्टोरी इन अ वर्स तो इसे हम लोग बोलते हैं बैलेड है ना अ स्टोरी इन अ वर्स दैट इज बैलेड अ बैलेड इज अ ड्रामेटिक है ना

उसे हम लोग बोलते हैं द मील इन लोग हम लोग मेन्यू बोलते हैं इन अ रेस्टोरेंट आर कैफे द मेन्यू इज लिस्ट ऑफ द अवेलेबल मील्स एंड ड्रिंक्स व्यंजन सूती दे ऑर्डर एवरीथिंग ऑन द मेन्यू ठीक है जैसे बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट uh, में जाते हैं तो खाना वगैरह एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं मेन्यू देख करके कि हमें ये खाना है वो खाना है जो भी है लास्ट वर्ड है पार्ट ऑफ द कंट्री बिहाइंड द कोस्ट ऑफ राइवल बैंक्स रिवर बैंक्स मतलब कोई ऐसा एरिया कोई ऐसा क्षेत्र जो पहाड़ों के पीछे हो मतलब एकदम रिमोट हो ज़्यादातर वहाँ उस जगह पे लोग ना जाते हों तो उसे हिंटरलैंड कहते हैं बड़ा सुंदर जगह होती है क्योंकि पहाड़ के पास होता है तो हिंटरलैंड होता है देख सकते हैं द रिमोट आर लेस डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ कंट्री बैक कंट्री मतलब ऐसा एरिया जहां बहुत लेस डेवलपमेंट रहा हो और पहाड़ों के आसपास हो उसे हिंटरलैंड कहते हैं देख सकते हैं ऐसा ही होता है एक दो घर होते हैं बड़ी ही सुंदर कहते हैं वहां का दृश्य होता है और बहुत ही अच्छा वहां की आबो हवा होती है लोग बहुत प्रसन्न होते हैं उस एरिया में तो गैज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट मैड फाइव इंपॉर्टेंट वर्ल्ड वर्ड को डिस्कस किया तो गैस कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक द वीडियो नहीं अच्छा लगता है यू कैन डिस द वडियोज वन मोर रिक्वेस्ट प्लीज शेयर दिस लिंक टू योर फ्रेंड्स नियर डियर एंड स्वीट हार्ट वन एट लास्ट डोंट फरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ यू सब्सक्राइब द चैनल डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग द लेटेस्ट नोटिफिकेशन फ्राम आस एंड फाइनली डोंट फरगेट टू सेंड योर वैल्यूल फीडबैक अकॉर्डिंग टू योर फीडबैक आल वर्किंग सो थैंक्स फॉर जॉइनिंग विद मी गुड डे ऑल एंड टेक केयर ऑल